नहीं बुलाता है, आप लोग एसी चालू नहीं कर देते क्या है? वही तो, बंदो बोलो 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 बोला बोला बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यो चाहिँ फेरि हामीले ताजमहलबाट निस्केको देखिको फेरि कन्टिन्यू गर्दैछौँ। हामी चाहिँ अहिले बस पाएर बसेको छौँ। हामीले अघि हामीलाई 5 बजी आइपुग्नु हुन्थ्यो 5:15 कि, अहिले 6:15 हुँदैछ कि, तर पनि अरू मान्छे कोही आइपुगेको छैन, हाम्रै ग्रुपमा त छ यता। अन्त एसी पनि अन गरिदिएको छैन, हप हप भएर बसिरहेको छु। अन्त हामीले चाहिँ मिक्सुङले एउटा दिल्लीको गिफ्ट होइन के भन्छ यसलाई, आगराको ताज अब यो एउटा के भन्छ त्यो वर्डै होइन मुखमा, के भन्छ यसलाई, के भन्छ होइन यसलाई, के भन्छ टस्सानेलाई, के टोकन अफ लभ, यस्तै टाइपको के दिल्लीको याद। अन्त हामी चाहिँ अब यताबाट मथुरा जाँदैछौँ। हामीले सोधेको थियो अघि कसले भन्दै मथुरा चाहिँ यतादेखि 3 घन्टा टाढो छ भनेर, इरिटेट भएर हौडी हौडीको भनिदिँदो रहेछ त्यसले। 3 घन्टा अरे, 30 मिनट अरे, कपिलदाले भन्नुभयो आरती स्टार्ट भइसक्यो मेबी आई डोन्ट नो के साथी नै भनाए भैया आरती मिस हो क्या चढ्यो चढ्यो यो बस चाहिँ अझ हामी जाँदैछौँ वृन्दावन बस्नु कहाँ पो जान्छ भने मथुरा 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 हामी चाहिँ मथुरा आइपुग्यो कि, तर सबै मन्दिरहरू नै बन्द भइसकेको छ। अन्त अब चाहिँ हामीलाई एउटा मन्दिरको गेटसम्म चाहिँ गएर अब ढोकेर फर्किने त होइन, अब वृन्दावन लान्छ होला नि, वृन्दावन लान्छ, वृन्दावन पनि 9 बजीसम्म चाहिँ खुल्ला हुन्छ अरे। त्यही त जेलमा जन्मेको नि त कृष्ण भगवान्, मामा चाहिँ लिएर नि नि कन्स मामाले वृन्दावन चाहिँ उसलाई पालेर हुर्काएको जग्गा चाहिँ वृन्दावन हो। मलाई कस्तो घुस बन्छ साँच्ची भनेको, मैले चाहिँ सोच्दैछु कि अब कृष्ण भगवान अब यो जग्गामै जन्मेको, यो जग्गा हिँडेको भएर क्या यो जग्गा नै त्यो फिल हुँदैछ मलाई चाहिँ। त्यतना दूर से आया है तो होइन, त्यहाँ पुग्नु पनि ठुलो यो छुनु पनि, हामीलाई बन्द भयो भन्दैन तर खुलै छ गेट त। ओ जुम जुम, हामी चाहिँ गएको थियो कि तर त्यहाँनिर सबै बन्द भइसकेको छ मन्दिर। अन्त हामी खालि मन्दिरको दैलोलाई दर्शन गरेर आयो हो, तर त्यो फिल चाहिँ भयो कि कृष्ण भगवान जन्मेको जग्गा आएको छु भनेर, अन्त त्यही नै ठुलो कुरा हो होइन। अन्त के भन्नुभएको थियो अरे कृष्ण भगवान्ले भन्नुहोस् त, दर्शन गर्नु नपाए नि अब टाढैबाट आयो नि उसको भक्तहरूलाई चाहिँ क्या त, अब टाढैबाट दर्शन दिन्छ अरे भनेर नि, अब धनी धनी मान्छेहरू टिकट काटेर आयो भने छेउमा आयो भने नि होइन, अब त्योभन्दा ठुलो चाहिँ जसले गर्नु पाउँदैन टाढैबाट पनि उसको सुन्छ भनेर क्या त, अब त्यही हो सपना बताइदिएको है। खाना हाटेको हामी ए हाम्रो वृन्दावन चाहिँ 10 बजीसम्म खोल्छ अरे हो, अब हाम्रो अलिकति होप छ एउटा मन्दिर भए पनि दर्शन गर्नु पाउँछ भनेर। हामी चाहिँ बिहान कति 6 बजी निस्केको थियो नि, ए 5 बजी उठेको थियो, 6 बजी निस्केको थियो, अहिले चाहिँ 5:30 जस्तो हुँदैछ हो। अन्त भोलि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ भन्छ आज आएको थियो राम्रो गऱ्यो, भोलि चाहिँ राधा अष्टमी हेऱ्यो, भोलि चाहिँ राधाको जन्मदिन अरे हो। अन्त अहिले 12 बजेर फेरि भेट्यौँ झन् पुरा राम्रो नि, त हेरौँ अहिले कहाँ लाँदैछ फुलले। अन्त औरङ्गजेबले चाहिँ पुरा यता मूर्तिहरू आएर बिगारेको रहेछ क्या शाहजहाँको छोराले, त्यही कुराहरू के भयो त्यो मन्दिर बिगारेको रहेछ जान्थ्यो चाहिँ जयपुरमा राखिदिएको छ अरे। अन्त हामी गल्ली गल्ली हिँड्दैछ अहिले वृन्दावनको गल्लीहरू, यो चाहिँ वृन्दावनको गल्ली चाहिँ फेरि यस्तो खतरा गल्ली छ अरे कि, कति 600 जस्तो भने नि हराउँछ अरे नयाँ मान्छे आएको चाहिँ।
वृंदावन में आने वाला टूरिस्ट जो वृंदावन में भगवान का जय बोलता है, जय जयकार बोलता है, आप लोग नहीं बोला, कुछ लोग जय बोला, कुछ लोग है बोला, कुछ लोग कुछ भी नहीं बोला। मगर अभी लास्ट पॉइंट कृष्ण का घर में है, थोड़ा जोर से प्रेम से जय बोलना है। अगर गोपाल सोता हो तो आपका जैसे जाग जाए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, यमुना महारानी की जय। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे में छोटा सा वन है जिसका नाम बोलते हैं निधिवन मधुवन। उस वन में नाइट में कोई रहता नहीं है, रहने से आदमी मर जाता है, पागल गुंगा हो जाता है। एवरी नाइट राधा कृष्ण उधर रासलीला करने के लिए आती है। जिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ भगवान इधर लीला करने को नहीं आती, उन लोगों ने उस वन में नाइट में छुप के देखा, उन लोगों का मृत्यु हो गया, वहां पर उन लोगों का समाधि बना है। उस वन में एक रूम है, रूम का नाम रंग महल। दिन में जाएंगे लेडीजों का 16 श्रृंगार देखने को मिलेगा, शाम को श्रृंगार हटाएंगे, फूल का सेज लगाएंगे, 4 लड्डू, पान का बीड़ा, झाड़ी में जल, इतने सब सामान रखते हैं। सुबह दर्शन यात्री लोग क्या देखते हैं, लड्डू फूटा हुआ, दातुन किया हुआ, फूलों का सेज मुसा हुआ। आज भी वहां पर राधा कृष्ण वास्तविक रूप में रासलीला करने के लिए आते हैं। उस वन में संत लोगों ने भजन किया, उन्होंने अपने भजन के प्रताप से मूर्ति निकाला जिसका अंदर दर्शन करेंगे। ये जो कृष्णा भवन का घर खोल लो भन्नु थियो भर्खर ताजमहल घुमेर आउँ न, ताजमहल चाहिँ एउटा त्यो कब्रिस्तान जस्तो हेरे नि त, अन्त कब्रिस्तानबाट आएर चाहिँ हामी घरमा पनि आएर हात चखाउनु छ यहाँ, त्यस्तै गर्नु अरे तपाईँ हात खुट्टा धोएर चखाउनु अरे। मंदिर में दर्शन करेंगे, जो लोग फूल माला लिया है मालाओं को फोल्ड करके ऐसा रख लेना। अगर कोई पति पत्नी जोड़े से आया है तो यहाँ पति पत्नी का भाव नहीं है, राधा कृष्ण का भाव है। अपना अपना वाइफ को अपना लेफ्ट साइड में राधा कृष्ण का जोड़ा से दर्शन करना है। जैसे राधा कृष्ण का ये मंदिर है ऐसा ही जोड़ा हमारा हमेशा बना रहे, इस भाव का दर्शन करना है। 2 मिनट का लिए माता पिता के नाम से दुखन का दान करो, यात्रा पूर्ण करो। जैसे सभी ने दिए एक एक माता पिता के नाम से दे रहा, यात्रा पूर्ण हो। हमने जो खाना खान रोक दी रहा था वो आइले वृंदावन को ट्रिप नहीं सक्यो, सोचे तस्तो भैन तर एटलिस्ट आए है ना। कृष्ण भगवान हिँडेको जग्गा हिँडे, जन्मेको जग्गा देखे, उसको घर देखे, उसको घरमा बस्नु पाए एकछिन भए पनि, त्यही नै मन चाहिँ शान्ति भयो, मजा आयो। वृन्दावनमा आएर मक्खन खाँदैछ कसलाई खाना मन नपरेको अवस्था। बटर मसाला अरे यो रेस्टुरेन्टको, हेर्नु है हाँसै उठ्दो। वृन्दावन आयो भने यो होटल चाहिँ नपस्नु, यो ढाबा चाहिँ नपस्नु, हाइवे किङ अरे, हाइवे किङ अरे। अयो ढाबाको नाम हाइवे किङ अरे, हाइवे किङ अरे, हाइवे किङ। बहिनी कहाँ छ बहिनी?